सुफल हेलो गाइस, वेलकम टू सफलता एक्सप्रेस चैनल। और आप लोग मुझे देख रहे हैं सफलता एक्सप्रेस चैनल पे, मुझे मतलब कि शरद गुप्ता को। और मैं अन अकेडमी पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरीफाइड एंड टॉप एजुकेटर हूँ, वहाँ पे टॉप एजुकेटर हूँ। और टेट कैटेगरी के लिए आपको पढ़ाता हूँ, जितने भी आपके स्टेटेड होते हैं, सीटेड होते हैं, उसके लिए मैं आप लोग को तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि आप लोगों को बताना कि यूपी टेट है, जो कि आपका बहुत ही अपकमिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंतजार था आप लोगों को, तो वो अब बहुत ही जल्द आने वाला है नोटिफिकेशन। और आज की जैसे कि आपकी न्यूज़ देखें तो उसमें बताया जा रहा है कि यूपी टेट जो है आपका अगस्त में आ जाएगा, मतलब कि फॉर्म आपके भरने, अप्लाई होने जो है शुरू हो जाएंगे, करेक्ट। और फिर उसके बाद जो है आपकी जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ये बताई जा रही है। मतलब अगर अनुमान लगाएं तो 10 तारीख के आसपास भी अगर मान लें तो 10 तारीख के आसपास आपका अक्टूबर में अनुमान लगाया जा रहा है परीक्षा का, और अगस्त में आपका फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसके पहले जो है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे पिछले वीडियो में, मैंने आपको बुक्स बहुत सारी बताई और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए, क्वेरीज भी आई, मैंने उसका रिप्लाई भी किया आप लोगों को कि कौन सी सर बुक्स लेनी है, मैथ्स के लिए कौन सी लेनी है, सर एनवीएस के लिए बुक बताएं, सभी के लिए मैंने आप लोगों को बताया बुक्स के बारे में। तो फिलहाल इसमें मैं यही बताना चाहता था कि अप्लाई इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे यूपी टेट के लिए पूरा जितना भी है, और सीडीपी, ईवीएस, इंग्लिश, इसके अलावा मैथ, अगर हो सकती है तो, अगर मेरे पास सुविधा रही वो मैथ्स बताने वाली तो मैथ्स भी, इसके अलावा जितने भी आपके थ्योरेटिकल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे SST हो गया पेपर सेकंड में, साइंस हो गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक पूरा। इंग्लिश की वोकैब में आप लोगों को, जैसे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे KVS में बहुत सारे लोग जाते हैं तो कहते हैं सर कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश कौन सी बुक से पढ़े, तो पर्टिकुलर तो देखिए बहुत सारी बुक आती हैं। मैंने बताया था आपको नीतू सिंह की, मैंने बताया था SP बख्शी आप पढ़िए, ठीक है। बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आती SP बख्शी हो गई, नीतू सिंह हो गई, ठीक है, तो वो लोग क्या करें, आखिर कहाँ पर जाएँ, कैसे पढ़ें उसको, ठीक है, विदाउट कोचिंग वो कैसे कर सकते हैं। तो बस सोल्यूशन आपका यहीं पर मिलेगा। सबसे पहले आपको वीडियो को जो है लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेंगी, राइट। तो यहाँ पे मैं वोकैब का भी आपको पोर्शन करवाऊंगा, जितना भी आपका वोकैब का पोर्शन है, जैसे कि A से Z तक वोकैब के पोर्शन में क्या आता है, पहले मैं वो डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा। कई लोगों को लगता है कि वोकैब का, वोकैब क्या है, वोकैब केवल है आपका सिनोनिम, केवल एंटोनिम, बस काम खत्म वोकैब का, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। वोकैब की अगर पोर्शन की हम लोग बात करें तो वोकैब में आपका सिनोनिम, एंटोनिम, इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन, होमोनिम्स, पैरोनिम्स, और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, और इसके अलावा आपका फ्रेजल वर्ब, और भी आप थोड़ा सा जोड़ लें तो उसमें, मतलब ये मैंने 5, 3, 8 चीज़ें तो अभी बता दी आपको जस्ट, ठीक है, कन्फर्म कर दी। तो ये आपका हो गया किसका पार्ट, ये आपका हो गया वोकैब का पार्ट इंग्लिश में। इंग्लिश का सिलेबस देखा जाए तो वाइड थोड़ा सा होता है, जैसे कि आपका ग्रामेटिकल पार्ट होता है, और इसके अलावा ग्रामर में अगर बात करें तो क्या क्या आता है वो मैं बता देता हूँ। ग्रामर में आपका आता है 10 सेंटेंस, ठीक है, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट वगैरह पढ़ना रहता है और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं। सेकेंड नंबर पर आपका नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, और इसके सबके काइंड्स, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, इतना तो आपको पता है। पंचुएशन, जेंडर, सिंगुलर प्लूरल, ओके, एक्टिव पैसिव, और प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, इतना आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस रहता है। तो देखा जाए तो एक छोटा सिलेबस नहीं है, अगर आपको 2 महीने में क्लियर करना है, 2 महीने में कवर करना है, तो थोड़ा सा आपको उसमें अटेंशन करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा विद एक्सरसाइज। वो भी मान लीजिए आप लोग अगर पढ़ लेते हैं, कोई भी बुक पढ़ लेते हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर बेकार है, प्रीवियस ईयर नहीं करते तो फिर बेकार है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंग्लिश का, तो वो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ आपको, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए या फिर लाइक करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि EVS में हो गया आपका परिवार एवं मित्र से आपका शुरू होता है फर्स्ट चैप्टर से, यातायात, और आपकी ज्योग्राफी के कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो आप लोगों को मालूम नहीं होते। आप लोग क्या सोचते हैं कि EVS में केवल आपका पर्यावरण पढ़ के चले जाएंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और क्या बोलते हैं, जो भी आपके चैप्टर हैं हमारे आसपास की चीज़ें, जो भी जंतु, पेड़ पौधे, ये सब पढ़ के जाएंगे, हो जाएगा? नहीं, ज्योग्राफी के आपके क्वेश्चन देखिए, मैंने जैसे बताया था सीटेट में आपको कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैंने मैप के थ्रू आपको समझाए थे अनअकैडमी पर, ठीक है, तो हूबहू बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आ गया। और लगभग जो है, अगर 100 बच्चे होंगे, 100 में से आप, आपकी अगर बात करें
तो कम से कम नहीं तो 70 से 80 बच्चे जो है ऐसे निकल जाएंगे पेपर फर्स्ट में, डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें मिल गया ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा द्वीप है, अरब सागर में कौन से द्वीप होते हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप होते हैं, ये सब मैंने आपको कराया है। तो ये सब एक मेजर पार्ट हो जाता है। कई बच्चे पूछ लेते हैं सर ये SST का पार्ट है, EVS का पार्ट है। अब उनको ये पता होना चाहिए कि जो आपका इन्वायरमेंट का पार्ट आता है, EVS का पार्ट आता है, वो भी एज अ पार्ट है SST का। SST के अंतर्गत आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट भी आपका आ जाता है, EVS भी आ जाता है, साइंस, साइंस भी आ जाता है। साइंस वाले बच्चे कुछ पूछते हैं सर साइंस अलग है आप जो पेपर सेकंड में और SST अलग है, तो हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं, बट SST आपका इतना बड़ा वाइड पार्ट है कि उसके अंतर्गत आपका EVS और साइंस दोनों आ जाता है, तो आप कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते, सबसे मेन चीज है, करेक्ट। तो ये तो इंग्लिश की बात मैंने कर ली और आपकी EVS की बात कर ली। हिंदी आप लोग जानते ही हैं सब कुछ, जो मैंने इंग्लिश में बताया वही आप हिंदी में कन्वर्ट कर लें। व्याकरण जितना भी हिंदी साहित्य पूरा हिंदी साहित्य आती है, इसके अलावा लेखक और उनके नाम भी आ जाते हैं, उनकी मतलब रचनाएं भी आ जाती हैं, ठीक है। इसमें देखें तो पेडागॉजी का सेक्शन आता नहीं है ज़्यादा, यूपी टेट में अगर पर्टिकुलरली हम लोग बात करें, सी टेट में तो आपका आता है पेडागॉजी का सेक्शन जो भी होता है, तो कंटेंट मटेरियल आपका ज़्यादा जो है करना होगा। और 90 नंबर वाला मैंने पहले ही बता दिया कि वो काम अब खत्म हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसमें आपको 120+ नंबर 130+ नंबर आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। इफ यू डोंट, अगर आप नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, कांट, देन यू विल आउट ऑफ रेस, आउट ऑफ रेस हो जाएंगे आप, रेस से बाहर हो जाएंगे। देखिए ये सब आप मत सोचिए कि अभी भर्ती नहीं होगी या ऐसा है अगले साल पास कर लेंगे, ऐसा है वैसा है, ठीक है, ये सब वो सोचते हैं जिनको पढ़ना नहीं है। सबसे मेन चीज मैं सीधे सीधे यहाँ पे बोल देता हूँ, जिनको पढ़ना नहीं है, जिनको पढ़ना है सीटेट क्वालिफाई करेंगे, KVS अभी आ रहा है, अभी आपका DSSS भी आ रहा है अगस्त में, ठीक है, NVS आपका चल रहा है फॉर्म, NVS में 1-5 मतलब प्राइमरी लेवल का नहीं होता है, 6 से लेके आपका आगे तक के लिए चलते हैं NVS, तो उसमें तो नहीं कह सकते फिलहाल, ठीक है। तो जिनको पढ़ना है, जिनको नौकरी पानी है, वो पा लेंगे, ये नहीं देखते हैं कि यूपी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलर, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलर, नहीं, तैयारी आपकी पहले से होती है सारी कुछ, बस पेपर का दिन का इंतजार करना होता है, पेपर कब है आपका, उसी टाइप पे आपको वही जो पूरी तैयारी है। इंग्लिश है आपका, इंग्लिश लोग सोचते हैं कि यार यूपी टेट आ गया आप चलो इंग्लिश पढ़ें, ऐसा नहीं है, पहले से तैयार करके रहिए, पहले से तैयार रहिए, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी वॉट एवर, SSC देने जा रहे हैं, बैंक देने जा रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, कोई भी देने जा रहे हैं, करेक्ट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिलेबस मैंने बता दिया, इसमें इंग्लिश का, हिंदी आप लोगों को पता है, EVS पता ही है, CDP की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, वो भी मैं यहाँ पे कराऊंगा चैप्टर वाइज, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 22 से 23 चैप्टर है, लास्ट वाला चैप्टर जो आपका NCF है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जिसको बोलते हो, पाठ्यचर्या जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, 2005, वो भी मैं यहाँ पे कराऊंगा, RTE वो भी आपका है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें नई भी जोड़ी गई हैं अभी यूपी टेट के सिलेबस, अभी जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगी आपकी, तो उसमें उसके थ्रू भी हम लोग देख लेंगे क्या चीज़ नया जोड़ा गया है, फिलहाल इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बस यही चाह रहा था, यही इसमें बताना था कि प्लान हम लोग का तैयार हो गया है, और हम लोग जैसे कि आज जैसे डेट है, तो उससे टिल द पेपर के हम लोग 10 दिन पहले ही ये पूरा सिलेबस यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो भी हम लोग शुरू करेंगे, जैसे मान लो इंग्लिश शुरू करेंगे, EVS शुरू करेंगे, CDP शुरू करेंगे, फिलहाल के लिए मैथ्स जो कैलकुलेटिव जो लगाने वाला है, अगर मेरे पास सुविधा हुई बोर्ड वाली, तो मैं उसको आपको बताऊंगा यहाँ पे, बाकी ये सब चीज़ें मैं शुरुआत से बताने वाला हूँ, ठीक है, एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ गए। और हाँ, अनअकैडमी पे आपको देखना है, सारे कोर्सेज मेरे बने हुए हैं, कुछ लोगों को हो सकता है सुटेबल ना लगे, वहाँ पे सुटेबल नहीं लगता है कि सर जो है यूट्यूब पे मिल जाए ज़्यादा बेटर है, ये इसी वजह से मैं यूट्यूब पर आया हूँ, नहीं तो यूट्यूब पे मेरा आने का कोई औचित्य नहीं था, आप लोगों को एक कह सकते हैं कि बताने के लिए, कुछ टिप्स देने के लिए, कुछ अच्छी बातें करने के लिए, बस यही चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब शुरू करने वाला हूँ यहाँ पे पूरा, जितना भी सिलेबस होगा, जितना भी उससे हो सकता है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और आपकी जो भी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, करेक्ट, हो सकता है स्टैंड ना कर पाऊँ, देख ना पाऊँ, बट करूँगा जरूर, ठीक है। तो यही सब सजेशन थी, यही सब आपको करना है, और बस एक प्लान के तरीके हम लोग चलेंगे, सितंबर तक हम लोग पूरा सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, सितंबर लास्ट तक, मतलब 30 सितंबर तक, फिर अक्टूबर में जितने भी दिन बचेंगे उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करेंगे, करेक्ट।
तो गैस मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो जरूर बताएं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जितनी भी अनअकैडमी के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, सारे लिंक्स पे आप जा सकते हैं, सारे मेरे कोर्सेज देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है अभी तक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।